जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माला श्री ज्योतिष अध्यापन संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, जो मेरे हम उम्र है उनको भी। कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि कैसे जाने कि कौन आपके लिए भाग्यशाली है या नहीं। तो दो उसमें डिसलाइक आए हैं और जिन दोनों ने डिसलाइक किए थे उन्होंने मुझे उस पर रीज़न भी दिया पूरे वीडियो पे। मतलब 3-4 हज़ार लोगों ने वीडियो देखा होगा, 3 हज़ार, लेकिन इस पर 2 लोगों ने डिसलाइक किया। अब डिसलाइक करने वालों ने मुझे कहा कि एक ने तो कहा कि क्या बकवास वीडियो है, और स्वास्तिक भी उल्टा लगा रखा है उसी का जवाब दे रही हूँ। वीडियो बकवास है या नहीं है वो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन जो स्वास्तिक है उल्टा नहीं है यार, मेरा फ्रंट कैमरा चल रहा है और आपको शायद पता नहीं चल रहा होगा कि मेरी आवाज़ गूंज रही है। रेनोवेशन का काम चल रहा है मेरे घर में और मुझे सच में कोई जगह ही नहीं मिलती वीडियो बनाने की। कभी मैं कहीं, कभी कहीं। आजकल मैं इस स्थान का प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि उस समय बाद ये मेरा मंदिर बन जाएगा। अभी तो इसमें भी काम चल रहा है। सबसे साफ दीवार मुझे यही लगी मेरे घर में वरना फिर मुझे घर से बाहर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले उन लोगों को बहुत दिक्कत है जिन लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं उनके नाम बोलूँ यूनिवर्स में, तो हमेशा की तरह 70 नाम है बोलने के लिए यूनिवर्स में। आज मेरे पास, आज मैं 6 वीडियो डालूँगी 3 चैनल पे, देख लेना। इन 6 वीडियो में ही आप सबका नाम आ जाएगा आज, क्योंकि मैंने सोच रखा है कि आज चाहे वीडियो की क्वांटिटी बढ़ानी पड़े पर आज सबके वीडियोस पूरे करूँगी। 6 कैसे आएंगे? 2 चैनल आएंगे माँ लक्ष्मी ज्योतिष पे, मैं 3 वीडियो भेजूंगी। 3 वीडियो मैं भेजूंगी द सीक्रेट ऑफ मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय एस्ट्रो संध्या सक्सेना में 3 वीडियो भेजूंगी। 3 ही वीडियो माँ लक्ष्मी ज्योतिष में भेजेंगी 6, और 2 वीडियो मैं भेजूंगी द सीक्रेट ऑफ शक्ति तंत्र। तो टोटल 8 वीडियो डलेंगी आज। 8वीं वीडियो को देख लेना भाई, इसी में तुम्हारा नाम होगा। आज तक का तो मैं इसी में निपटा रही हूँ, अब आज जो मैसेज आएंगे उसका अलग होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हे भगवान श्री गणपति महाराज, मैं आपको प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का दिन अच्छा करें, मंगल करें, शुभ करें, सुंदर करें। अब दूसरी बात, एक उपाय दूंगी 6 की 6 वीडियो में, कोई खास उपाय दूंगी। और शिव पुराण मुझे पूरा करना है तो शिव पुराण भी डालूंगी, और देवी भागवत भी करूंगी थोड़ी सी, लोगों से बात भी करूंगी और पूजा पाठ भी करूंगी, सब कर लूंगी कराने वाला मालिक है हम कुछ नहीं है, हम तो एक माध्यम है, ठीक है। तो आज का जो सबसे पहले भगवान श्री गणपति महाराज से प्रार्थना करते हुए, हे गणेश जी महाराज, वो सभी लोग जिन्होंने अपने मैसेज मुझे कहे हैं देने के लिए बस में, उन सब पे कृपा करो कि उन सभी के कामों को आप जल्दी बना दीजिए जिससे उनके काम बन जाए और सब खुश, आप खुश, हम भी खुश। तो ओम गणपति नमः, विद्यार्थ मंगल करता, सुख करता, दुख करता, श्री गणेशाय नमः। हे भगवान श्री गणपति महाराज, मैं आपसे, मेरे महादेव से और मेरी माँ कालिका से प्रार्थना करती हूँ कि भैरव बाबा आपके मंदिर में भी आती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि वो सभी लोग जाने जाने में जो मदद मांग रहे हैं, क्योंकि मदद मांगना भी बहुत बड़ी बात होती है, खुल के कोई नहीं बोल पाता, और ना तो लोग यूट्यूब पे अपना नाम बुलवा रहे हैं। तो आपसे प्रार्थना है वो सभी लोग जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे कहने पे अपना नाम यूनिवर्स से भिजवा रहे हैं, उन सब पे, उन सभी के परिवारों पे आपको कृपा बरसानी ही है। जितना पूजा पाठ, जितना भक्ति करवाना है उनसे आप करवा लीजिए, जितना दान पुण्य आपको करवाना है उनसे करा लीजिए, लेकिन कभी किसी को निराश मत करना, सभी का काम कर देना। मेरी आपसे ऐसी गुजारिश है और मुझे विश्वास है कि जिन लोगों के नाम मैं लेने जा रही हूँ उन सभी का काम को बनाने के लिए, हे महादेव, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गणेश जी, आप तो सभी के मैरिज कार्ड पे छोड़ते हो, इससे सभी के मैरिज कार्ड्स पे उनके पसंदीदा साथी का नाम चढ़ाने के लिए भी आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो हम सबसे पहले नाम लेंगे, विजयंती जो है विजय से शादी करना चाहती है, और उनकी शादी कराने के लिए मालिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रायको की शादी रमेश के साथ कराने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मिताली की शादी प्रशांत नायक से कराने के लिए, और
वासुदेव सुधर की शादी शुभाश्री के साथ, शुभ श्री के साथ कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वाति की शादी विश्वास के साथ कराने के लिए, विश्वास रंधावा के साथ कराने के लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। रमेश यादव और प्रियंका की शादी कराई आपने, साथ में प्रियंका का नट JRF क्लियर कराया, उसके लिए भी मैं आपकी बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। हे महादेव आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नेहा जगजीत सिंह की शादी करवाने के लिए और वो हमेशा साथ रहें, खुश रहें, एक दूसरे के प्यार करते रहें, ऐसा आशीर्वाद देने के लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। विनेश और मुकेश कुमार को हमेशा हमेशा के लिए साथ करने के लिए भी आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। किशन सिंह की शादी कुलदीप सिंह के कुलदीप कौर के साथ कराने के लिए, और मोहाली से है ये लोग, और गवर्नमेंट जॉब कराने के लिए कुलदीप कौर को, किशन सिंह को आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चिंटू कुमार शाह की पत्नी जो पूजा कुमारी शाह है वो वापस लौट के आ गई है और दीपावली का त्यौहार उसके साथ ही मना रही है, ऐसा सौभाग्य देने के लिए भी है महाराज गणेश आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रामवीर चौहान और राखी सिंह की, रामवीर चौहान और राखी सिंह की शादी कराने के लिए, उन दोनों को सुखमय जीवन देने के लिए, उनको सुंदर स्वस्थ संतान देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ मैं। सोनिया की शादी और सरकारी नौकरी उसकी मनपसंद देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मनाली और नीरज की शादी कराने के लिए श्वेता सिंह को अंकित कुलश्रेष्ठ से विवाह कराने के लिए, जीतू और सुरेखा को एक साथ लाने के लिए और उनको गवर्नमेंट जॉब देने के लिए भी मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजेश कुमार को कविता के साथ लाने के लिए और रवि नायक और उषा रवि नायक राठौर को एक साथ लाने के लिए, उन दोनों को सुखी जीवन देने के लिए भी मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हे महादेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। प्रतीक गणेश बर्दे की शादी पल्लवी गोलदे से कराने के लिए और समीर और पंबा एक हो जाए, उनकी शादी हो जाए, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सताक्षी की शादी उसके पंपू से हो जाए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और कृष्ण प्रभाकर की शादी जो उस समय 45 वर्ष के हैं, थोड़ा मुश्किल है, पर उनको सुंदर स्वस्थ जीवन साथी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हे महादेव हे गणपति महाराज इन सभी पर कृपा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मेरे कहने पर आपने यूनिवर्स में इस बात को सुना, अब जब जब ये वीडियो चलेगा, जितनी बार ये वीडियो जिस धरती पे भी देखा जाएगा उतनी बार सत्य होता चला जाएगा, मुझे विश्वास है। इसके साथ साथ मैं आपको एक अच्छा सा उपाय भी दूंगी, नवरात्र चल रहे हैं उसके लिए, और वैसे भी आप इसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो भी दूंगी और साथ में उपाय सॉरी एक उपाय अच्छा सा दूंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का दिन आपका शुभ होगा सुंदर होगा। ठीक है, सुबह का टाइम है और समय 7:30 बजा है, मैं अपनी चाय के साथ हूँ और मैं चाहूँगी कि आप सभी का दिन भी मंगल हो, शुभ हो, सुंदर हो, स्वस्थ हो। सबके लिए अच्छी अच्छी कामना करोगे तो रिटर्न में वही मिलता है। हमेशा याद रखना, जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो मालिक आपके लिए अच्छा सोचता है। कल हमारे पास यूनिवर्स से 3,500 मैसेज आए थे लिखने के लिए, और वो बहुत सारे मैसेज थे। और मेरी जो लड़की है जो मैंने काम पर रखी असिस्टेंट, नेहा नाम है उसका, नेहा ने मुझे बोला कि हाय दीदी मेरे हाथ लिखते लिखते थक गए तो मैंने कहा तुम सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद करो क्योंकि उसने तुम्हें माध्यम चुना है लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। इतने लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है हमसे और महादेव से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग महादेव को मानते हैं और प्रेयर्स भेजते हैं। ऐसे बहुत सी लड़कियां जो मुसलमान लड़कों से शादी करना चाहती हैं, या वो मुसलमान जो लड़के हैं वो हिंदू लड़कियों से, या फिर मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी करना चाहती हैं, ऐसी लड़कियों की भी मेरे पास बहुत भरमार है, लेकिन उनके मैसेज में कभी यूनिवर्स में एकदम नहीं भेजती हूँ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ।
मेरे पास ऐसी बहुत सी लड़की मुसलमान लड़कियां हैं जो हिंदू लड़कों से शादी करना चाहती हैं, बहुत सारी, एक दो नहीं है। इसी तरह से ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो मुसलमान लड़कों से शादी करना चाहती हैं, बट मैं उनके मैसेजेस को रीड नहीं करती हूँ। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। उसका कारण यह है कि वो मैं कर भी नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि ये इशू हो जाता है, थोड़ा सा रिलीजियस इशू हो जाता है, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। लेकिन मैं यहीं से कह देती हूँ कि जिसकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, उसके लिए प्रभु कृपा करें, जिसकी जो भी जायज़ इच्छा है उस पर कृपा करें। जिसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मनपसंद शादी करनी है, या अपने बच्चों को बुलाना है, उन सब पर कृपा करिए, कृपा करिए, कृपा कीजिए। तो आज के मैसेज मैंने सबको भेज दिए हैं, और मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में सब अच्छा हो, बेहतर हो, बढ़िया हो। अब इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे किसी कंटेंट से आपको कोई प्रॉब्लम है तो कृपा करके, बड़ी कृपा होगी आपकी, बता दीजिए। क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं तो उसे ठीक कैसे किया जाएगा। जैसे कल एक मैडम का, जिनका नाम था राधा रानी जी, उन्होंने मुझे लिखा था बकवास वीडियो है। अब किस वीडियो के बोर्ड पे लिखा था, जिसमें मैंने लिखा था कि आपके मित्र भाग्यशाली हैं या नहीं, उस मित्र पे लिखा था। तो मैंने उन माता जी को बोला, या जो भी थी वो लड़की या औरत जो भी थी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुझे तो आपसे सीधी सी बात पूछनी है, यदि कोई स्त्री या कोई पुरुष अपना पूरा शरीर आत्मा आप पे लुटा दे, पैसे भी लुटा दे, अपने मान परिवार का मान सम्मान भी लुटा दे, सब कुछ लुटा दे आप पे, और वो आपके लिए मरे जा रहा है, तो वो इंसान आपके लिए बुरा कैसे है, भाग्यशाली क्यों नहीं है? अगर किसी इंसान ने अपनी लिमिट क्रॉस कर ली है, वो आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में भी आ गया, वो अपने माता पिता को छोड़ने के लिए भी तैयार बैठा है, उसने जो भी पूंजी कमाई है, जमा की है, झूठ बोल के, सच बोल के, जैसे भी है, वो भी वो आपको देने के लिए राजी बैठा है, तो वो इंसान आपके लिए बुरा कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात। और अगर आप, मैंने पहले ही बोला था और मैं हमेशा से बोलती हूँ, हर लड़का हर लड़की बचपन से ही जानते हैं उनकी शादी कहाँ हो सकती है और कहाँ नहीं हो सकती है। तो जब आपको पता है कि आपकी शादी वहाँ हो ही नहीं सकती है, तो कहे बात के मज़े लेते हो यार किसी के साथ, क्यों किसी की ज़िंदगी डिस्ट्रॉय करते हो? आप किसी की ज़िंदगी डिस्ट्रॉय करेंगे तो मेरा मालिक गवाह है, आपके अपनों की ज़िंदगी डिस्ट्रॉय होना 100% निश्चित है। किसी की लड़की की इज्जत के साथ खेलना या किसी के लड़के की इज्जत के साथ खेलना, और अगर आपको लगता है कि मज़े आ गए, उसका बेवकूफ भी बना दिया, उसका शरीर भी ले लिया, उसका पैसा भी ले लिया, उसकी आत्मा भी ले ली, आप उसको जाने दो। कल रात को 12:30 बज गया था, मुझे एक मैडम को सिर्फ यही समझाते हुए, वो बोल रही थी कि 5 वर्ष तक उस लड़के ने उनका शरीर, उनकी आत्मा, उनका विश्वास, उनका पैसा, सब कुछ यूज़ किया। 9 नवंबर में उस लड़के की शादी है। कह रही थी मरने के अलावा कोई और पछता ही नहीं है रास्ता। मैंने कहा मरने से क्या होगा, क्या वो आपसे शादी कर लेगा या वो आपके पास लौट आएगा? ऐसा तो नहीं है ना। 2 मिनट के लिए उन 2 लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने आपको जन्म दिया है, इस दुनिया में लाए हैं। उस औरत के बारे में सोचो जो पूरे टाइम गीले रही और आपको सूखे में सुलाया। अगर माता पिता ने आपको पैदा होते ही डिस्कार्ड कर दिया होता घर से बाहर, तो या तो जंगली कुत्ते आपको खा गए होते, या आप मर गए होते, या फिर आप किसी आश्रम में होते, और या तो कहीं भीख मांग रहे होते, कुछ भी कर रहे थे, चोर चक्के भीख मांगना किसी विश्वविद्यालय में भी हो सकते थे, क्योंकि आजकल तो सब कुछ है, और बच्चों के साथ बहुत उल्टे उल्टे काम होते हैं जो बच्चों को छोड़ दिया जाता है। फिर मैंने उसको ये भी बोला, मैंने कहा आपको तो मैं एक उदाहरण देती हूँ, कुछ बच्चे जो हैं बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे होते हैं, 1.5 साल 2 साल 2.5 साल के, खो जाते हैं, माँ बाप की जरूरत है उनको। 2 साल का बच्चा खो गया, मैंने बताया भी था, हरिद्वार में 2.25 साल का बच्चा पाया गया, इतना प्यारा बच्चा ऑर्फनेज में है देहरादून के। जब मैंने वहाँ पे इंटरेस्ट किया, मैंने कहा मुझे ये बच्चा आप दे दो, मैं इसको अडॉप्ट करना चाहती हूँ, तो उसने बोला मैडम आइए। मैंने कहा बताइए, तो उसने मुझे 100 बच्चे दिखाए, उसने कहा ये सारे बच्चे जो है ना छोटे हुए ही हैं, और सब 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल, कहता कितने आप ले लोगी? ठीक है, तो मेरे को उसकी बात सही में लगी। तो बात ये है कि हम तो ले ही लेंगे और आप भी ले लोगे किसी ना किसी को गोद, लेकिन बच्चा छुट्टी कैसे रहे हैं? आप अपने बच्चों का ध्यान रखो भाई, माँ बाप जितने अच्छा बच्चों का ध्यान कर लेते हैं कोई और नहीं कर सकता, मैं आपको बता रही हूँ। तो ऑर्फनेज में
वो सभी लोग जिनके पास बच्चे नहीं होते हैं या एक जिम्मेदारी के साथ ही उनको बच्चे दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं मुंह उठा कर चली गई तो मुझे दे देंगे, आप मुंह उठा के चले गए तो। बकायदा पूरे प्रॉपर इसकी एक गाइडलाइन होती ही है, ऐसे किसी को भी कोई बच्चा नहीं दिया जाएगा। 100 बच्चे हैं, आप ऐसा भी नहीं कि आप अपनी पसंद से कोई कहो। तभी उसने मुझे कहा था ये 100 बच्चे हैं, ये तो सभी बच्चों को माँ बाप की जरूरत है, हम आपको यही क्यों देंगे, इनमें से कोई भी बच्चा दे सकते हैं आपको, पसंद का बच्चा थोड़ी मिलेगा, बच्चे तो बच्चे हैं, समझ रहे हैं। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपके माता पिता बहुत खास हैं, आपके माता पिता ने आपके लिए इतना किया है, उनकी थोड़ी इज्जत रखो और ये फालतू काम ना करो, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आज का उपाय, लेकिन आज के उपाय से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। मैंने कहा था मैं दिवाली में कुछ स्पेशल आपके लिए लाऊंगी, इसको बोलते हैं 40 साल, और यह है लक्ष्मी। और क्या उल्टा दिख रहा होगा फिलहाल ये लक्ष्मी 40 है और महालक्ष्मी 40 भी इसमें है। और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ से पलटेंगे फिर उल्टा ही दिख रहा होगा आपको, मैं पढ़ देती हूँ। ये श्री लक्ष्मी गणेश यंत्र है, ये आपकी कौड़ी है, ये आपकी गोल गोल गोमती चक्र है, ये लक्ष्मी जी के पादुका है, ये उनका जो होता है ना वो गोल 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 वो है, और ये जानते हैं क्या है, ये है हरिद्रा गणेश, ये है हरिद्रा गणेश, ये है, ये सारी चीजें हैं इसमें। मगर अभी चीज खत्म थोड़ी नहीं है अभी कुछ और भी है, बहुत मेहनत की है यार, सामान खड़ा खरीद खरीद के लाई हूँ मैं आप लोगों की तरफ। चलो ये क्या है, ये है श्री यंत्र घर में रखने के लिए, और ये क्या है, ये है लक्ष्मी कवच गले में पहनने के लिए, ये लक्ष्मी कवच है सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, ये श्री यंत्र है, ये एक लक्ष्मी जी की मूर्ति आप अपने घर की पूजा स्थान पे रखें उसके लिए, और एक ही कॉइन, ये भी क्या है मैंने आपको दिखाया, अभी ख़त्म नहीं हुआ सस्पेंस अभी है बाकी है। और ये आप जानते हैं गुंजा है, बहुत एक्सपेंसिव मिलती है गुंजा, है ना, गुंजा के दाने भी हैं, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये पंचमुखी रुद्राक्ष है, और ये क्या है, ये है खांसी, इसको बोलते हैं सुपारी गणेश, यानी गणेश जी बने हैं सुपारी पे। चलो काउंट करते हैं, आपको ये 2 गोमती चक्र है और ये साथ में क्या है, थोड़े से गुंजा के बीज हैं, 2, 1 सुपारी गणेश हो गए, 3 ये आपका रुद्राक्ष, 4 चीज़ें ये हो गई, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपके लिए और जल रखा है निकाल के, अच्छा जुकाम हो गया है, एक ये आपको मैंने बताया ये सिक्का है जिसमें यहाँ पे लक्ष्मी गणेश है और पीछे श्री यंत्र बना हुआ है, ठीक है। 5 श्री यंत्र अभी घर में रखने के लिए, 6 या कहीं टांग दो अपने ऑफिस वगैरह में, और ये गले के लिए, ये 7 चीज़ें तो आपकी यही हो गई। एक ये माता लक्ष्मी की फोटो हो गई, 8 सीधा डालो, 8 ये चीज़ें हो गई ना, रुक जाओ सब्र करो, माता की 40 साल, 9 एक ये लक्ष्मी गणेश यंत्र हो गया 10 बड़ा सा, एक ये कछुआ हो गया 11, चरण पादुका हो गए 12, हरिद्रा गणेश 13। बहुत मेहनत लगी है ये 13 चीज़ें आपके लिए ढूंढा है अलग अलग जगहों से, उसके बाद ये पैकिंग बनाई है, आप कॉल अपॉइंटमेंट फ्री है आपके लिए, आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है, इतनी सारी मेहनत और एक कॉल अपॉइंटमेंट फ्री। तो अगर आप उसे कॉल अपॉइंटमेंट ले रहे हैं पूरे अक्टूबर पूरे नवंबर के एंड तक, जितने भी लोग कॉल अपॉइंटमेंट देंगे मैं उन सबको ये भेज दूँगी, ठीक है, कॉल अपॉइंटमेंट भेजूँगी, आपको उसको ले लेना है मेरे से फ्री। ये सारा सामान अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा, क्योंकि गुंजा के दाने हरिद्रा गणेश बहुत महंगे मिलते हैं, ये रहे हरिद्रा गणेश, ठीक है। तो कॉल अपॉइंटमेंट पे सब कुछ फ्री, तो अगर आपको भी कॉल अपॉइंटमेंट लेना है
तो आज ही कॉल अपॉइंट कर लीजिए, उस पर आप मुझसे बातचीत भी कर लेंगे, आप अपना दुखड़ा मुझे सुना भी देंगे, मैं आपको उपाय बता दूंगी और साथ में आपको ये गिफ्ट भी दूंगी, है ना बढ़िया। तो अब हम बात करते हैं उस उपाय के जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। तो उपाय क्या है उसे भी जान लो। तो यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, परेशानियाँ जो हमेशा ही बनी रहती हैं, और आपका चाह के भी काम पूरा नहीं हो पाता है, या काम आपका मेन मूवमेंट पे ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो आजकल आपको पता है कि नवरात्र चल रहे हैं, तो ऐसे नवरात्र के टाइम पे आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपकी परेशानी, आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाए, वो मैं आपको आज बताऊँगी। तो लौंग का हमेशा ही प्रयोग बहुत अच्छा होता है, दालचीनी भी अच्छी होती है, काली मिर्च भी अच्छी होती है, हर चीज़ अच्छी होती है, लेकिन हम स्पेसिफिकली हमें काली मिर्च की बात कर रहे हैं। काली मिर्च आपकी ऑब्स्टिकल्स को काटने का काम करती है। काली मिर्च जो है भगवान शनिदेव को भी, उनको भी मानते हैं जो लोग, शनिदेव का भी वो करती है। तो काली मिर्च को क्या करना है, पीछे भी काली मिर्च का मैंने एक उपाय दिया था आपको, ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार इन नवरात्रों के दौरान और बाद में वैसे भी जाप करना है, और 11 काली मिर्च जो है यहाँ हाथ में रख लेना और उसको ऐसे बंद करके अपना नाम, अपना गोत्र वगैरह जो भी आपको पता है बोलते हुए अपनी इच्छा बोलना है कि मेरी फला फला इच्छा है, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, फला ब्ला ब्ला ब्ला। जब आप उसको सबको बोल लोगे, सब कुछ बता दोगे भगवान जी को यानी शनिदेव जी को, तो ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए ही करना है। जैसे हे भगवान श्री गणपतिया, मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम अमुक है, मैं अमुक स्थान से हूँ, मेरी अमुक इच्छा है जो पूरी हो जाए, ब्ला ब्ला ब्ला। 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना है, फिर 11 काली मिर्च लेनी है और हर काली मिर्च पे तीन तीन बार ओम शम शनिश्चराय नमः की जगह का जाप करते हुए फिर उसको बाद ना हवन कुंड में करके स्वाहा कर देना। बस जब आप काली मिर्च डालोगे तो स्वाहा हर काली मिर्च पे तीन बार कम से कम ओम शम शनिश्चराय नमः का, या 8 बार कर लेना, 108 बार तो आपने वैसे किया, फिर 8 बार कर लेना और जला देना पटक। जब जल जाएगी तो आपकी सारी ऑब्स्टिकल्स कटेंगी और जो आपके विरोधी हैं वो भी दूर हो जाएंगे आपसे। बहुत अच्छा उपाय है, करके देखिएगा, काली मिर्च से बहुत फ़ायदे होते हैं, धन लाभ भी होता है। आपकी जो भी दिक्कत परेशानी उसे भी काटने का काम करेंगे। ये देखिए, ये सब टोटके होते हैं, छोटे छोटे जो हम आपको बताते हैं, लेकिन मेरा कोई भी टोटका होता है उसको मैं भगवान से जरूर कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक ईश्वर की ब्लेसिंग्स नहीं होंगी, आप कितने भी काम कर लो, कांड कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा था मैं अपने हाथ में क्या पहनती हूँ, तो ये क्या है, ये लाल धागा है, आपको पता है ये दुखलावा पंडित जी बांधते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं। ये काला धागा जो है ये बगलामुखी माता की एक देवी हैं यहाँ पे हरिद्वार में माता जी, उन्होंने मेरे हाथ में बांधा था नज़र से बचाने के लिए। और ये तांबा मेरे पापा नहीं है, तो सूर्य मेरे पर थोड़ा डाउन हो गया था इसलिए मैंने पहना हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमेशा खुश रहिए और श्री गणपति महाराज आप पे हमेशा प्रसन्न रहे। मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और अगर कुछ गड़बड़ मैंने किया हो, बोला हो, प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं 9027822840, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8126476399। अगर आपको चाहिए कॉल अपॉइंटमेंट लीजिए, बात कीजिए, मेरा दिमाग खाइए, अपने उपाय पूछिए और इतने सारे गिफ्ट ले लीजिए मुझसे, ठीक है। लेकिन कॉल अपॉइंटमेंट इस बार थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आपको 2100 रुपये पेमेंट करना होगा, 2100 रुपीज़। 2100 रुपये में आप अपने मन की कोई तीन बात मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी और उसका जवाब दूंगी और उसके उपाय भी दूंगी, और साथ में इतने सारे गिफ्ट आपको मिलेंगे और इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा। इवन आपको होम डिलीवरी भी नहीं देनी होगी। जब आप 2100 पे भी करेंगे तो अपना एड्रेस वास में डाल देना, एड्रेस डालने के बाद फिर आपको मैं ये सारा सामान भेजूँगी, आपसे फ़ोन पे बात भी करूँगी, आपके तीन सवालों के जवाब भी दूंगी, है ना बढ़िया। तीन सवालों के जवाब भी हो जाएंगे, इतने सारे गिफ्ट भी मिल जाएंगे, दिवाली भी अच्छी हो जाएगी और मेरी तरफ से आपको कुछ मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमेशा खुश रहिए। इसी के साथ धन्यवाद, जय श्री गणेश जी।